और एक बड़ी खबर इस वक्त मीसा भारती और तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई बेनामी संपत्ति मामले से जुड़ी खबर है। इस केस में आयकर विभाग जल्द ही राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और मीसा के पति शैलेश कुमार के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कर सकता है। दिल्ली की कोर्ट में यह मामला दर्ज हो सकता है। सभी पर फर्जी कंपनियों के जरिए दिल्ली और पटना में संपत्ति खरीदने का आरोप है। इस मामले में आयकर विभाग ने मीसा भारती और शैलेश को एक बार फिर से समन जारी किया है और पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया ताकि बेनामी एक्ट के तहत पूछताछ की जा सके। अभी तक आयकर एक्ट के तहत ही बयान दर्ज किए गए। वहीं मीसा पर शिकंजा कसा तो लालू कुंडे ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया। उनका भी हथियार भ्रष्टाचार वाला ही था। तेजस्वी यादव को इतना इल्यूटेड गए कि सवार में ही सहारने का आरक्षण निगम दिया था। अब वही मीटिंग थी, बजाता परमिशन था तो मीटिंग नहीं हुई और रोका गया। बिल्कुल नीतीश कुमार धराशायी हो गया है और एकदम लोकतंत्र का गला घोटा है और इसको हम लोग बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं। घोटाले का पर्दाफाश जो हो रहा है इससे सरकार के लोग सब लोग विचलित हैं, भयभीत हैं। हम लोगों का कार्यक्रम भागलपुर इसलिए था, जितने सृजन के दुर्जनों का हम लोग विसर्जन यहाँ करने आए हैं। इससे नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोग सब लोग घबराए हुए हैं और नहीं चाहते थे कि हम लोगों का जो कार्यक्रम है ये होने का काम हो।